जेन्युइन है कि नहीं है वो कैसे पता लगाए। अब टाइम आ चुका है यहाँ पे हमारे अलॉय के नट खुलेंगे। नट जैसे कि आपने देखे होंगे रेनबो वाले नट है, इसकी चाबी अलग से आती है। तो पहले जो मैं आपको ब्रेक पैड दिखाना चाहूंगा, तो ये कुछ हमारे ब्रेक पैड है। मोनू भाई एक बार ब्रेक पैड देखना, मेरे को बताना ये क्वालिटी कैसी है। ये बेस्ट क्वालिटी ब्रेक पैड है, जो अपना वियर एंड टियर है रोटर का, वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूंगा, ये ऐसा मटेरियल कौन सी गाड़ी में आता है, कुछ थोड़ा एक हाईलाइट दो। कौन सी महंगी महंगी गाड़ी में? तो महंगी गाड़ी वाली बच्चे वाली उन्होंने, ठीक है। तो अभी जो चल रहे हैं अपने उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके, अब नेक्स्ट इसकी बारी थी मेन मुद्दे की बात की कॉस्टिंग क्या पड़ी। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे फुल एकदम बॉन फायर वाला इफेक्ट दे रखा है राफोलिक्स पे। अब चेक करो, मैंने जो ऑर्डर किया था विव्यानी कस्टम से किया था, उसकी अगर ये लाइनिंग आती गई हमने टाइम टू टाइम इसे साफ नहीं कराया तो क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहते हो उसका रिव्यू मैं निकालूं एक हफ्ते बाद यूज करके, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक हफ्ते यूज करके प्रॉपरली इसको। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक टू माय चैनल। आज फाइनली वो दिन आ चुका है, अपग्रेड का टाइम आ चुका है। परफॉर्मेंस सीरीज में जा रहे हैं, ब्रेक पैड अपग्रेड कर रहे हैं, अपर वर्जन डाल रहे हैं, कॉस्टिंग वगैरह लास्ट में सब कुछ बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके भी दिखाएंगे। हिंट दे देता हूं, आगे आपको पता चलना ही है। ब्रेम्बो के बेसिकली ब्रेक पैड है, उसमें फेक ब्रेक पैड भी आता है, उसकी बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके ब्रेम्बो जो है फेक है या फिर ओरिजिनल है। सारी बातें आगे करेंगे, करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखने, तो So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको BoardMod.com के बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली एक स्पेयर पार्ट कंपनी जहां से आप गाड़ी का ए से लेकर जेड तक कोई भी सामान ऑनलाइन मंगा सकते हो। गाड़ी का स्पेंडर हो गए, गाड़ी के बोनट हो गए, गाड़ी के बम्पर हो गए पिछले वाले, कोई भी सामान आप मंगा सकते हो। कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी आपको मिलती है, प्लस पैन इंडिया शिपिंग मिलती है। आगे चलते हैं आपके इंटरफेस की तरफ, कैसे यहाँ पे हमको ऐप इंटरफेस मिलता है। एप्लीकेशन की बात करो तो BoardMod का यूजर इंटरफेस कुछ हमको यहाँ पे ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी जो सामान आपको चाहिए आप लिख भी सकते हो, कार ईयर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो, प्लस विन नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी डाली मारुति स्विफ्ट डाली, और कौन से ईयर की है प्लस कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 2020 का है मेरी मॉडल और एलेक्सा ही। तो यहाँ पे काफी सारे OEM पार्ट मिल जाएंगे जो गाड़ी के आते हैं, प्लस अगर आप चाहो तो OEM कैटलॉग पे भी सर्च कर सकते हो, जो उसकी पूरी कैटलॉग है जिसमें क्या क्या चीज हमको मिलती है गाड़ी की, और ये सभी गाड़ी की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ चुका है अनबॉक्सिंग का, शुभारंभ करने का। तो डब्बे को आप बाहर से देख सकते हो, ये कुछ हमें बॉक्स मिल जाता है, काफी सिंपल सुपर सोफिस्टिकेट बॉक्स है। क्रिसमस और सेंटा क्लॉस, बेसिकली सेंटा क्लॉस लाल कलर से थोड़ा सा सेंटा क्लॉस वो इंस्पायर करता है हमारा ब्रेम्बो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ब्रेम्बो की अनबॉक्सिंग करते ही हमारे जादुई छुरे से मैंने काटा, प्रॉपर सील मिलते हैं। यहाँ पे QR कोड्स को आप स्कैन करके भी देख सकते हो, स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट तक पहुंच जाओगे, वो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। अंदर पैकेजिंग हमें हाई टेम्परेचर ग्रीस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हाई टेम्परेचर ग्रीस हमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि जब ब्रेक हाई स्पीड पे लगते हैं तो जो उस टाइम टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये पैकेजिंग वगैरह बहुत प्यारे ढंग से ही अंदर यूजर मैनुअल मिल जाती है। ब्रेम्बो का स्टिकर हमको मिल जाता है। अब टाइम आ चुका है अपने ब्रेम्बो के ब्रेक पैड को हम थोड़ा सा अनरैप करें। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो एक तरह से गिफ्ट ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज क्रिसमस और आज ही हम इस चीज़ को भी दिखा रहे हैं। तो ब्रेक पैड हमारे पूरे के पूरे सिरामिक ब्रेक पैड है, मटेरियल वाइज सब कुछ वाइज पूरा ऊपर। इसमें हमको यहाँ पे सीरियल नंबर भी देखने को मिल जाता है। अनबॉक्सिंग तो आपने सब कुछ देख ली, अब बात करते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है वो कैसे पता लगाएं। सबसे पहले QR कोड मैटर करता है, दूसरा QR कोड ये होता है, ये आप साइड में स्क्रीन देख भी पा रहे हो, उसमें मैंने ये स्कैन करा था और इनका पूरी की पूरी डिटेल आ गई कौन से मेरे क्या स्पेक्स के ब्रेक पैड है। तो ये कुछ होता है, पैकेजिंग वगैरह नो डाउट बन सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट मेक श्योर आप ये QR कोड स्कैन जरूर करें, क्योंकि QR कोड बाई चांस दे तो देते हैं बट वो वेबसाइट पर जा नहीं पाता। और ये चीज़, ये यहाँ पे प्रॉपर सील आती है, इसको खोल के तभी यहाँ पे खुलेगा ब्रेम्बो का। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये कुछ छोटी और बारीक चीज़ होती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका ब्रेम्बो जो है बेसिकली ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि मार्केट है बड़ी अच्छी खासी मार्केट है, उसमें अच्छा सामान भी आता है और थोड़ा सा आप समझ सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो गाइस चलते हैं गाड़ी की तरफ, जैसे ही उसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। अब टाइम आ चुका है यहाँ पे हमारे अलॉय के नट खुलेंगे। नट जैसे कि आपने देखे होंगे रेनबो वाले नट है, इसकी चाबी अलग से आती है। तो पहले जो मैं आपको ब्रेक पैड दिखाना चाहूंगा, तो ये कुछ हमारे ब्रेक पैड है। मोनू भाई एक बार ब्रेक पैड देखना, मेरे को बताना ये क्वालिटी कैसी है। ये बेस्ट क्वालिटी ब्रेक पैड है, ये जो मटेरियल इसमें है ये सिरामिक मटेरियल अपना। तो ये ऐसा मटेरियल कौन सी गाड़ी में आता है, कुछ थोड़ा एक हाईलाइट दो। कौन सी महंगी महंगी गाड़ी में? तो महंगी गाड़ी वाली बच्चे वाली उन्होंने, ठीक है। तो अभी जो चल रहे हैं अपने उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके हम ब्रेम्बो पे जा रहे हैं, ब्रेम्बो भी ट्राई करेंगे कैसा उसका रिस्पॉन्स होता है। तो मोनू भैया को एक बार ब्रेक पैड लेते हैं और चाबी देते हैं, तो इससे हमारे पूरे के पूरे अलॉय के नट खुलेंगे। एक तरह से एंटी थेफ्ट नट भी होते हैं, क्योंकि इसके बिना गाड़ी खुलेगी नहीं, और खुलेगी नहीं तो काटना पड़ जाता फिर। तो जैसे ही एक साइड का टायर खुलता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टायर प्रॉपरली निकल चुका है, गाड़ी हमारी जैक पे चढ़ चुकी है। मोनू भाई मेरे को एक चीज बताओ कि अभी रोटर की क्या लाइफ बची है, क्योंकि जब मैंने चेंज कराए थे तब 6,000 पे कराए थे, अब गाड़ी नियर अबाउट 14
14 या सम नियर अबाउट 15,000 चल चुके हैं, तो क्या लाइफ है थोड़ा बताओ। इस पे ये लाइनिंग आ गया भैया, ये लाइनिंग नहीं आती 14-15 हज़ार में भी नहीं आती किसी गाड़ी में, तो लाइनिंग क्या बताती है थोड़ा सा बताना। एकदम रेगुलेट होना चाहिए, मतलब प्लेन होना चाहिए। लाइनिंग तो फील हो रही है, फील हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे इस लाइनिंग के लिए? लाइनिंग के लिए तो हम खोलेंगे, मतलब डिफेक्ट खोल के रेग मार से साफ करेंगे। रेग मार से इसको पूरा का पूरा हम साफ कर देंगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो इसकी अगर ये लाइनिंग आते गई हमने टाइम टू टाइम इसे साफ नहीं कराया तो क्या दिक्कत हो सकती है? ये खराब हो जाएगा डिस्प्ले, डिस्प्ले खराब हो जाएगा। एक रफ आइडिया दो अभी क्या लाइफ बची है इसकी? लाइफ बची हुई 15-20 हज़ार चलेगा, 15-20 हज़ार और चलेगा। तो वही बात हो जाती है, अगर आप परफॉर्मेंस चीज में जा रहे हो, स्टॉक रोटर यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक बार आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे फुल एकदम बॉन फायर वाला इफेक्ट दे रखा है राफोलिक्स पे। अब चेक करो, फुल एकदम आग जला के यहाँ पे गौरव और पुनीत भाई हमारे आग सेक रहे हैं और अभी बहुत ठंडी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे हमारे ब्रेक पैड चेंज होते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ। पुनीत भैया गौरव आ गए, हेलो कर दो दोनों। ठीक है, जैसा कि आपने कंडीशन देखी थी मेरे रोटर या फिर डिस्क की, तो आप डिस्क पे क्या कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एकदम मजाई कह लो या फिर सफाई कह लो, जो लाइनिंग आ रखी थी बहुत डीप लाइनिंग थी, उसको प्रॉपरली हम रेग मार से साफ करेंगे ताकि वो लाइन काफी हद तक कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, गाड़ी जैक पे लगा के फोर्थ गियर पे लगा के छोड़ दी है। यहाँ पे रोटर हमारे घूम रहे, रोटर जैसे जैसे घूम रहे, इंजन पे कोई लोड नहीं, ऐसे इंजन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग कमेंट करने लग जाएंगे, भाई ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, कुछ भी नहीं होगा यार, टेंशन मत लो। प्रॉपर यहाँ पे हमारे मोनू भैया साथ दे रहे हैं, प्रॉपर आगे से घिसाई होगी फिर पीछे से घिसाई होगी। यहाँ पे हमारा प्रॉपरली रेग मार से इसमें हमने साफ कर दिया, आप देखो डिफरेंस और बिफोर वाला डिफरेंस आपके सामने। अगर मैं फील करके बताऊँ तो प्रॉपर एकदम क्लीन हो चुका है और ये हमारे न्यू ब्रेक पैड आ चुके हैं। तो पहले हम इसमें कैलिपर पिन का जो ग्रीस आता है वो डालेंगे, जो कि ब्रिम्बो का ही आता है, हाई परफॉर्मेंस ग्रीस होता है ये। उन पे इसमें लगाएंगे जी भैया कैलिपर पिन, ठीक है कैलिपर पिन में लगाएंगे और सेम वैसे एज इट इज उसमें भी लगाएंगे। तो ये होती है हमारी कैलिपर पिन, तो इसमें पहले हम लगाएंगे, उसके बाद ये रहे हमारे दोनों ब्रेक पैड ब्रिम्बो के, बहुत अमेजिंग पैकेजिंग में आया था। थोड़ा सा लगाना होता भैया या फिर ज्यादा? थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा ठीक है, मतलब जितने का लगाएंगे हम जितना जोड़ते उतना लग जाएगा अंदर, बाकी बाहर आ जाएगा तब। तो बाकी अपना जो है वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं कह सकते इसको, पर ये इसके अंदर आ जाएगा रबड़ के अंदर। अच्छा रबड़ के अंदर, इसमें भी लगाएंगे ना शेर? उसको भी लगाएंगे कि कैलिपर पिन हमारी वहीं पे, ठीक है। जैसे ही अपना कैलिपर पिन में ग्रीसिंग डन होती है फिर जब ब्रेक पैड लगाने की तरफ चलते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक साइड लग चुका है, एक में यहाँ पे भी लगेगा, इवन इसमें यहाँ पे एक ये लाइन भी आती है। इससे क्या होता है कि जितने जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से पता चल जाएगा इतने ब्रेक पैड की, जैसे यहाँ पे लाइफ खत्म होगी तो ये फिर अपने रोटर में लगने लग जाएगा भैया। जैसे ये रोटर में लगेगा तब चीज चीज की अलग ही लेवल की आवाज आएगी, तो वो आवाज से पता जाएगा कि हमारे ब्रेक पैड का खात्मा हो चुका है, उसे चेंज कराओ भाई। तो ये कुछ खास बात होती है अपने ब्रेम्बो ब्रेक पैड की। यहाँ पे इस टायर के हमारे ड्राइवर साइड के टायर का पूरा प्रोसेस डन हो चुका है, सेम प्रोसेस वहाँ पे एप्लीकेबल होगा को ड्राइवर साइड के टायर की तरफ। जैसे इसमें ब्रेक पैड लगते हैं टायर खुलने का, तो सेम प्रोसेस है ब्रेक पैड जब लगते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन है हमारे रोटर की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इमेजिन करो भाई गाड़ी की अब परफॉर्मेंस कैसी होने वाली आफ्टर ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स। यहाँ पे हमारा अलॉय निकल चुका है, तो आपको इसकी कंडीशन दिखाऊं, इसको चेक करो लाइनिंग आप। इसको भी हम सेम मोनो भैया रेग मार से अपने घिसे के जी भैया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। ब्रेक पैड अपने निकले गए, ये देखो कंडीशन अभी करंट वाले की, अपने काफी लाइफ बची है, मतलब अराउंड जी भैया बची है ठीक ठाक जिस हिसाब से अपने ब्रेक पैड डिक्सल के 15,000 किलोमीटर अभी बची है इसकी लाइफ, ठीक है। तो आप ये चेक करो, अच्छा काफी अच्छी खासी बची है। अब इसमें क्या होगा, अपने ये सब साइड करेंगे, गाड़ी को हम चलाएंगे रनिंग में, इसके प्रॉपर जितने भी आप ये देख रहे हो पूरा के पूरा हम क्लीन करेंगे अभी आप बिफोर, क्लीन हो गए ठीक है। तो एक बार पास से आपको बिफोर लुक दिखा दूं, तो ये कुछ बिफोर लुक है। जैसे ये पूरा का पूरा एकदम चिकना होता है तब मैं आप, यहाँ पे हमारे ब्रेम्बो के ब्रेक पैड लग चुके, अब यहाँ पे कैलिपर जो है इसको प्रॉपर क्लीन करके हम इसमें कैलिपर पिन का जो ग्रीस होता है हाई टेम्परेचर ग्रीस वो डालेंगे। भाई मेरे को एक चीज बताओ, आपने काफी सारे ग्रीस डाले होंगे कैलिपर पिन में, इस ग्रीस में और उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? ये भी काफी अच्छी क्वालिटी होती है बाकी सब ग्रीस से। अच्छा बाकी सब ग्रीस से, ग्रीस ही बोलेगे ना इसको जी भैया? हाई टेम्परेचर ग्रीस एक तरह से बोलेगे या ग्रीस ही बोलेगे ओनली? हाई टेम्परेचर ग्रीस बोलते हैं। हाई टेम्परेचर ग्रीस, ये कैसे काम करती है थोड़ा सा इसका रोल बताना। हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं ठीक है, 120-130 की स्पीड में होते हैं हम, 120-130 ठीक है, अगर हम ब्रेक लेते हैं तो ये गर्म होता है ठीक है रोटर हमारा। और इसमें कोई लोकल ग्रीस होगी तो ग्रीस होगा जल जाएगा जल्दी, और जल जाएगा फिर क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए? फिर आवाज करेगा मतलब कैलिपर, कैलिपर हमारा आवाज कैसी आवाज, ची ची
जैसे हमारे मतलब गड्ढो वगैरह में लाएंगे तो पूरा आवाज करेगा छन 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 छन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कैलिपर पिन लग चुके हैं, उस साइड वाले में भी लगाएंगे ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे टायर फिटमेंट की तरफ चलते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये बची रहेगी दूसरी बार के लिए, खत्म है एक बार के लिए, बच जाएगा इसमें, बच जाएगा, काफी बच जाएगा ना। ठीक है, तो इसको बचा के रखना है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा इंस्टॉल वगैरह प्रॉपरली डन हो चुके, इवन मैंने आपको फेक ब्रेम्बो के बारे में बता दिया होगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका जो ब्रेम्बो है वो फेक है या ओरिजिनल है। बेसिकली ब्रेम्बो का जो ब्रेक पैड होते हैं उसमें बहुत अमेजिंग हमको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिलता है, प्लस इसका जो लो स्पीड, अगर हम लो स्पीड पे भी सडन ब्रेक मारते हैं और इवन हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हैं तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस जो अपना वियर एंड टियर है रोटर का वो भी काफी हद तक रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूंगा, ये जो हमारे ब्रेक पैड है ये स्पेसिफिक स्ट्रीट पर्पस के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाले, बहुत अमेजिंग रिस्पांस हमको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट चीज की टेम्परेचर की। इसका जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 200 से लेके 300 डिग्री तक टेस्टेड है, इवन ये 600 डिग्री तक भी टेस्टेड है। तो अगर 600 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी अच्छी चीज की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है भाई वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हमको मिलती है। मतलब जो बंदा उसको लगाएगा, चाहे आपके पास कोई सी भी एक्सवाई जेड गाड़ी हो, उसमें आप एकदम खुश हो जाओगे भाई। आपकी जो स्टॉक ब्रेकिंग है उससे नॉर्मल अंतर नहीं मिलेगा, जमीन आसमान का डिफरेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो उसका रिव्यू मैं निकालूं एक हफ्ते बाद यूज करके, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक हफ्ते यूज करके प्रॉपरली इसको 500-600 किलोमीटर ड्राइव करके बताऊंगा कि ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड है उसका रिव्यू कैसा है हमको। अब नेक्स्ट चीज की बात रही थी मेन मुद्दे की बात, की कॉस्टिंग क्या पड़ी भाई। जो स्विफ्ट की जो कॉस्टिंग पड़ती है नियर अबाउट 3500 अप्रॉक्स कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ जाती है। मैंने जो ऑर्डर किया था विव्यानी कस्टम से किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हो, चाहते हो गाड़ी में परफॉर्मेंस रिलेटेड काम कराना, तो डेफिनेटली विव्यानी कस्टम को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सब कुछ अपग्रेड पर चल रहा है तो धीरे धीरे बहुत कुछ आपको अपग्रेड की सीरीज देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहां तक देखिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करा दोस्त फैमिली तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और रिव्यूज के ऊपर चाहते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। वो ओरिजिनल है या नहीं है, बेसिकली सब कुछ पैकेजिंग आज के टाइम पे सब कुछ बन जाती है, बट ये चीज मैटर करती है। जैसी आप गाड़ी में इंस्टॉलेशन की तरफ चलते तब मैं आपको दिखाऊंगा।